यमुना सरयू छिपरा मंदाकिनी नर्मदा जितनी पवित्र नदी होती है, इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रख कर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो। शिव महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती। शिव पुराण कहती है गंगा माँ है, नर्मदा माँ है, छिपरा माँ है, सरयू माँ है, तुम्हारी सास कहीं बैठी हो, एक काम करना, जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में, सरयू जी में दिया रख देती हो पानी में, उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो। बोलो धर सकते हो? जब धीरे धीरे दिए में आग लगेगी, दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी, दोना जलेगा और तुम्हारी सास का फिर सिर जलना प्रारंभ होगा, अच्छा लगेगा? नहीं। गंगा में दिया छोड़ा, दिया जलते जलते हवा में दोना जला, दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुंची। गंगा कहती है तो पुण्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है। पवित्र नदी को शुद्ध रखिए, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है अपने स्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो, कई लोग कोई कह देता है तुम्हारे ऊपर ये रोग लग गया, तुम्हारे ऊपर ये बीमारी हो गई, नदी में नहाने जाना, अपने कपड़े छोड़कर आ जाना। पहले तो वो महाराज ढूंढो जिसने कहा कि पवित्र नदी पर अपने कपड़े छोड़कर आओ। नदी को हमेशा पवित्र, नदी को पवित्र रहने दो। मेरे राम जी जब चित्रकूट होते हुए चले गए, मेरे राम जी जब अयोध्या से लंका तक गए, बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी, मेरे राम जी ने एक जगह पर अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, ना वस्त्र को पानी में निचोड़ा, मेरे राम जी ने स्नान करा, स्नान कर कर पानी ले जाकर दूर अपने वस्त्र को निचोड़ा, कहीं ये मेरे वस्त्र का पानी पवित्र नदी में ना चले जाए। वो मेरे राम थे जो मार्ग बताते जा रहे थे। और आज के जमाने में लोग एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुश हुई, वो भेरिया इतनी दूर तक चले गया, अब गंगा जी ने भी कह दिया अब की तो आ गई, अगली बार आ। इतनी प्लानिंग करी, हरिद्वार जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, बद्रीनाथ जाऊंगी, केदारनाथ जाऊंगी, हर बार प्लान बनाती थी, अब की बार जाऊंगी। भगवान घर में ऐसी बांधा लगा के रख देता कि तुम्हें हरिद्वार तक बुलाता ही नहीं। अब सोचती मैं बस एक ही बार होके आई, फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रहा? गंगा जी खुद नहीं बुला रही, आग लगा के चली जाएगी। गंगा जी खुद नहीं बुला रही। पवित्रता का ध्यान रखिए, हम उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। हमने गंगा यमुना सरयू सरस्वती छिपरा आदि को कैसे कैसे पवित्र रखना है,